रामदेवरा से शुरू हुई परिवर्तन संकल्प यात्रा का समापन जोधपुर पहुंचकर हुआ। इस समापन समारोह का आयोजन जोधपुर के गांधी मैदान में हुआ। समापन समारोह के दौरान असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, भाजपा नेता ज्योति मिर्धा, जोधपुर भाजपा प्रभारी वासुदेव देवनानी, सूरसागर विधायक सूर्यकांत व्यास सहित भाजपा नेता मौजूद रहे। इससे पहले परिवर्तन संकल्प यात्रा जब जोधपुर में प्रवेश की तो सरदारपुरा विधानसभा के सारण नगर पहुंचने पर ममता परिहार के नेतृत्व में क्षेत्र में जल भराव की समस्या को लेकर मैं पानी के बीच खड़े रहकर रथ का स्वागत किया। इस दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की विधानसभा के लोग नरकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। यहां से लेकर के राजस्थान के विकास में जितने खड्डे हैं गहलोत ने किए हैं, उतने ही खड्डे यहां से लेकर के पावटा तक खड्डे हैं। राजस्थान की छलनी छलनी करने का काम गहलोत सरकार ने किया है। आपको बता दें कि सारण नगर व आसपास के इलाकों के लोग इस जलपराओं की समस्याओं से लंबे समय से जूझ रहे हैं। इसी को लेकर के शेखावत ने गहलोत पर जमकर हमला बोला। वहीं शेखावत ने कहा कि ऐसी सरकार को उखाड़ फेंकने का समय आ चुका है। भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी तो इस समस्या का समाधान सबसे पहले किया जाएगा। देखिए जोधपुर राजस्थान की सरकार किस तरह से काम कर रही है, इसके हालात देखने होते हैं। सीएम की कॉन्स्टिट्यूएंसी में घूम करके देख लीजिए, पिछले 6 महीने से नारकीय जीवन जीने को लोग यहाँ के मजबूर है। और यहाँ से लेकर के जो राजस्थान के विकास, राजस्थान के हालात और राजस्थान की स्थिति में जितने खड्डे अशोक गहलोत सरकार ने किए वो यहाँ से लेकर के पावटा चौराहे तक गिन लो उतने ही खड्डे। राजस्थान को छलनी छलनी करने का काम इस भ्रष्टाचारी सरकार ने किया है और राजस्थान की जनता आक्रोशित होकर के सरदारपुरा से अब की बार इस सरकार के पतन का सूत्रपात करने वाली है।